Beautiful launch of SSLV D2EOS07 on a bright sunny morning. 10 फरवरी 2023 ये तारीख भारत के लिए ऐतिहासिक है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्रवार की सुबह 9:18 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV D2 की लॉन्चिंग की। छोटे सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए इस रॉकेट की लॉन्चिंग की गई है। SSLV का पहला एडिशन फेल हो गया था और ये इसका सेकेंड एडिशन है। इसरो के मुताबिक SSLV रॉकेट की लागत करीब 56 करोड़ रुपए है। ये रॉकेट 34 मीटर लंबा है जबकि इसका भार क्षमता करीब 120 टन है। SSLV D1 पिछले साल अगस्त में फेल हो गई थी। इसरो ने जब इस फेलियर के कारणों का पता लगाने के बाद बताया था कि दूसरे चरण के अलगाव यानी पृथक्करण के कारण कंपन यानी वाइब्रेशन के कारण लॉन्चिंग प्रभावित हुई थी। रॉकेट का सॉफ्टवेयर उपग्रहों को बाहर निकालने में सक्षम तो था लेकिन इजेक्शन गलत कक्षा में हो गया था। उपग्रहों को एक स्थिर कक्षा में होने के लिए जितनी रफ्तार की जरूरत थी उससे कम होने के चलते उपग्रह गलत दिशा में चले गए थे।